बल्तेत हुंजा, जिसको बाद में प्रिंस करीम आगा खान के नाम पर करीमाबाद कर दिया गया। करीमाबाद जो कि 8200 फीट की बुलंदी पर है, हुंजा का लिटरेसी रेट 95% से भी ज्यादा है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा खुश मिजाज लोग आपको हुंजा में मिलते हैं। द कल्चर, द फूड, द पीपल। अभी हम लोग आए हैं अपना नाश्ता करने के लिए और हमें इस टाइम बल्तीत फोर्ट रोड पे करीमाबाद से बिल्कुल ही ऊपर सिर्फ चंद कदम है बल्तीत फोर्ट को, जो इस तरह चढ़ाई आ रही होती है वहाँ पे, और यहाँ एक कैफ़े है हुंजा का, मोस्ट ट्रेडिशनल कैफ़े। ये दो आंटीज़ हैं जो आंटियों ने अपना एक छोटा सा, मतलब इसे ढाबा भी नहीं कह सकते, इसे कैफ़े भी नहीं कह सकते, एक हट है, हट कह सकते हैं, इसे हट कह सकते हैं। दो आंटियों ने मिलकर अपना हट बनाया हुआ है और वो बहुत खूबसूरत है, एक बहुत छोटी सी जगह है, उसमें मतलब अंदर अगर बैठना है तो मैक्सिमम 5 बंदे बैठ सकते हैं और सामने ही आंटी का वो सारा सेटअप लगा हुआ है, वो वहाँ पे खाना बना रही होती हैं और उसके साथ जो है वो चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, वहाँ पे बैठ के आप खावा सकते हैं। तो ये जो है मतलब अब हुंजा की ही वो आंटी हैं और उन्होंने ही अपना हट बनाया हुआ है, उसी के अंदर वो खाने मिलते हैं। तो वो ये प्रॉपर एक ट्रेडिशनल फूड है हुंजा का, मतलब सबसे ज़्यादा जो असली खाना अगर आपको मिल सकता है। तो इस कैफ़े का नाम है हुंजा फूड पवेलियन। हुंजा फूड पवेलियन आप किसी से भी पूछेंगे करीमाबाद से, जब बल्तीत रोड पर चढ़ेंगे आप पैदल ही, ये सिर्फ वॉक है, तो यहाँ पर आपको सामने मिल जाएगा। एक छोटा सा हट है, साथ में कुर्सी हैं और जो इनके अंदर बैठने की जगह तो बहुत मज़ेदार है, वहाँ पे सारा इस तरह कारपेट्स, इनके जो एक कल्चर होता है वो उस तरह से अंदर से सजाया हुआ है और सामने आंटी खड़ी। एक बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट है, मतलब लग नहीं रहा कि पाकिस्तान की किसी जगह को देख रहा हूँ। और उसके बिल्कुल साथ जो है वो चेयर्स पड़ी हुई हैं और चेयर्स के एक तरफ पूरा हुंजा के पहाड़ों का व्यू है और वहाँ खड़े होकर मुझे लगा है कि मैं गुजर जा भाई गुजर जा, और वहाँ पे खड़े होकर मुझे लगा है कि मैं प्रिंसेस आइलैंड में एक जगह थी जहाँ पे बिल्कुल ऐसा व्यू आ रहा था कि दरख्त हैं और सामने पहाड़ और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हम इनकी मज़े की जो है वो हुंजा के खाने ट्राई करेंगे। अभी मेरे साथ तला है और हसन है, क्योंकि हम तीन ही हैं भाई जो इस तरह नई नई चीज़ें ट्राई करने में जो है ना वो शेर होते हैं, बाकी हमारे तीनों फौजी जो हैं वो अपना देसी नाश्ता कर रहे हैं एक पॉइंट पर बैठे। अच्छा, हुंजा फूड पवेलियन की एक सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इनका मतलब यहाँ पे मेन्यू एक बहुत मज़े का है कि आपको मेन्यू देख के जो है ना वो मज़ा आता है। शुरू में मेन्यू में उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री लिखी हुई है उसके बारे में, अपने फूड के बारे में लिखा हुआ है, फिर ये कैसे शुरू हुआ, सब कहाँ तक कैसे गया, ये सारी चीज़ें फूड के बारे में लिखने के बाद हर पेज के ऊपर आप जो भी चीज़ मंगवा रहे हैं उसकी पिक्चर्स भी हैं ताकि आप उसे देख सकें। उसको हुंजा का नाम भी लिखा हुआ है और उसमें एक नीचे लाइन भी लिखी हुई है जिसमें आपको पता लग सकता है कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलती जुलती होगी। और उसके एक पेज पे पूरी रेसिपी आपको दी हुई है जो मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा हुआ भाई, कि कोई रेस्टोरेंट जो है वो किसी को अपनी रेसिपी दे रहा हो। तो यहाँ इन्होंने पूरी रेसिपी दी हुई है, लेकिन इस रेसिपी का हमें वहाँ उस साइड पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ बनती हैं, जो टेस्ट यहाँ बनता है वो मतलब मेरा जितना भी फूड का एक्सपीरियंस है, जो चीज़ यहाँ की होती है वो सिर्फ वहीं पर अच्छी बन सकती है। तो इनका मेन्यू की एक जो गेम है ना भाई, अभी हम मेन्यू में से सेलेक्ट करते हैं हमने क्या क्या मंगवाना है। अच्छा, हमने आके इनसे अपना मेन्यू के बारे में पूछा तो ये सारी चीज़ें पूछी हैं, तो इन्होंने बताया कि भाई जो चीज़ें आपको पसंद आ सकती हैं उनमें एक दो चीज़ें, लेकिन हमने इन्हें बताया कि नहीं, हमें शौक है आपकी चीज़ें ट्राई करने का, तो आप हमें बताएं कि जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो सारी बताएं। तो हमने इनमें से जो चीज़ें ली हैं, यार एक तो मैंने मेन्यू देख के नज़र बड़ा मज़ा ही जा रहा है, ऑनेस्टली इन्होंने मुझे बताया कि मैंने इनसे पूछा था मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो ये आप मुझे दे सकते हैं अभी बना के। इन्होंने कहा ये आपको बिल्कुल आपसे खाई नहीं जाएगी क्योंकि आपका टेस्ट वैसा होगा ही नहीं। तो फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये हम आपको नहीं दे रहे क्योंकि ये आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने जो चीज़ें मंगवाई हैं उनके अंदर है कुरुत्ज़े डाउडू एक हमने मंगवाया है। उसके बाद हमने दूसरी चीज मंगवाई है मल्ताश्तजी ग्यानलिंग। दूसरी चीज़ हमने मंगवाई है मल्ताश्तजी ग्यालिंग, और ये जो है इन्होंने ऊपर इसके लिखा भी हुआ है कि अगर आपको समझ ना आए तो, ताकि हुंजा पैनकेक्स। और इस होइलो गर्मा हमने एक मंगवाया है, ये इस तरह का दिखता है, ये हुंजा का पास्ता, ये भी सिर्फ समझाने के लिए। और उसके अलावा हमने मंगवाया है चाप शोरू
चाप छोरू, ये चाप छोरू इस टाइप की कुछ चीज़ होती है। तो भाई अभी मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ इनकी चीज़ें ट्राई करने के लिए। जिस तरह से ये यहाँ पे ये वाला व्यू आ रहा है यहाँ इस तरफ से, और सारा ये अंदर एक पूरा लग रहा है कि आप एक कल्चरल सी जगह पे खड़े हो। बता दो, कोविड है, हम मास्क पहन के फिर रहे हैं लेकिन सिर्फ खाने के टाइम या सिर्फ वीडियो के टाइम ऐसे हम उतार लेते हैं। ये भाई ने भी देखो, इन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। तो एक मिनट, मैं तो भाई खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या सीन है? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ का खाना खाने के लिए, बहुत ज्यादा। हाँ जी तला साहब, ट्रूली एक्साइटेड मैन, वी आर ट्रूली क्या चीज़ है ये? लोकल चिकन, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, सैफरन, प्याज और अखरोट का ऑयल से पकाया है। ये हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड अभी ट्राई करने वाले थे, तो ये एक छोटे से बॉय मुझे मिले। क्या नाम है जी आपका? माज कामरान। माज भाई कहाँ से आप? मैं कराची से आया हूँ। बताएं, खाना आपने खाया? ये जी खाया है, ये सारा ऑर्गेनिक फूड है। अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा था। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, फिर मुझे पता लगेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हुंजा फूड पवेलियन के हमारे पास जो है असल जो है इनका ट्रेडिशनल खाना, जो हुंजा के लोगों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो चीज़ें मतलब जिस तरह हमारी ज़िंदगियों में नॉर्मल होती हैं वो उस तरह से हुंजा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। उनके अंदर हमारे पास हैं होइलो गर्मा। मैं ये मेन्यू बुक से पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे इतनी जल्दी नाम याद होने वाले नहीं है। होइलो गर्मा, होइलो गर्मा जो है वो हुंजा स्पिनिश पास्ता है। उन्होंने नीचे इंग्लिश में जो है वो थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है कि आप भाई इस तरह से समझ, अगर आप कहीं और से आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप की चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास हैं जी मालताश तिजी गियालिंग हुंजा पैनकेक्स। ये इनके पैनकेक्स होते हैं जिसके मतलब वही सिंपल पैनकेक होता है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने हनी और एप्रिकॉट ऑयल जो है वो अंदर डाला होता है। उसके बाद हमारे पास हैं कुरुजी डाउडू। कुरुजी डाउडू जो है ड्राइड चीज़ सूप है। यहाँ पे हुंजा में ये डाउडू जो है ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसके अंदर मीट वाला डाउडू भी होता है, उसके बाद उसमें याक मीट होता है, और लेकिन आज याक मीट यहाँ पे है नहीं, तो सुबह सुबह का टाइम है ये, तो इस वजह से हमने मंगवाया ड्राइड चीज़ सूप, जो मतलब अगर हमारी ज़ुबान में समझा जाए, वरना कुरुजी डाउडू। और है चाप शोरू। अब जो चाप शोरू चीज़ है वो इनके अकॉर्डिंगली जो लोग आते हैं पंजाब से या कहीं से भी, उन्हें सिर्फ चाप शोरू पसंद आता है, लेकिन मुझे चीजें देखने में बहुत मजेदार लग रही हैं जिस तरह से इनका बनाने का तरीका है। फिलहाल मैं ट्राई करूंगा डाउडू। डाउडू जो है वो एक मतलब सूप की शेप में, ग्रीनिश सा इसका कलर है, और इसके अंदर नूडल्स इन्होंने डाले हैं, इनके जो वो थोड़ी चौड़े से थिक से नूडल्स होते हैं। तो इस डाउडू के अंदर इन्होंने लोकल ड्राइड चीज डाली हुई है जिसको कुरुत्स बोलते हैं, और ये इनके इतने ट्रेडिशनल किस्म के जो ये चम्मच और ये प्याले हैं लकड़ी के। ओह ओह यार, सूप इतना कोई मज़ेदार किस्म का है। सारा इसका जो टेक्सचर है वो इसी तरह से एक सूप जिस तरह पी रहे होते हैं, ग्रीनिश सा बड़ा थिक किस्म का, और उसके अंदर जो नूडल्स डले हुए इनके अपने, और इसके अंदर इन्होंने हर्ब्स और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिक्स करके जो है इसको बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी सा एक दफ़ा आपको फील होता है, और जो एक सही अगर सूप आप पीते हैं बड़ा मज़ेदार किस्म का, जिसके अंदर आपको ज़रा नरम सी इनकी नूडल्स आते हैं। ओए होए भाई, अगर आप इसके अंदर मीट वाला खाएंगे तो उसके अंदर वो याक मीट आ जाएगा, या कोई भी ये लैम्ब बीफ जो भी ये डालते हैं तीन चार तरह के, तो वो एक अलग टेस्ट होगा। वो सेम है नहीं, तो मैं इस तरह मिस कर चुका हूँ। आप ट्राई करना अगर आओ तो किसी और टाइम। इसके अंदर छोटे छोटे से चिकन के पीसेस भी हैं, उनको भी बीच में डाला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मतलब चीज़ और चिकन और नूडल्स और ये सारी चीज़ें जब मिक्स होकर आती हैं तो भाई अन्नी पौधों पोगलाम किस्म का सूप है ये। उसके बाद हमारे पास है जी चाप शोरू। चाप शोरू जो है उसको इन्होंने लिखा हुआ है हुंजा मीट केक्स। तो ये हुंजा मीट केक्स हैं जो यहाँ पे चाप शोरू बोला जाता है। अभी मैं चाप शोरू ट्राई करूँगा। ओ यार, ये चाप शोरू इस तरह है जिस तरह हमारे गाँव के अंदर असल पराठे बनते हैं ना, और साथ में उसके जब आलू गोभी बनी हुई, तो क्योंकि इसके अंदर इन्होंने चिकन और वेजिटेबल्स इनके जो है वो मिक्स करके डाले हैं, तो ये बिल्कुल, ये इनकी बात अब मुझे समझ आई है कि ये पंजाब कराची टाइप वाले लोगों को क्यों पसंद आता है, क्योंकि ये बिल्कुल वहाँ जैसी चीज़ है। ऊपर पराठे हैं, अंदर वही वेजिटेबल और चिकन, और इन्होंने साथ में दी हुई है ड्राइड चीज़ योगर्ट। उसके साथ लगा के देखता हूँ कि वो कैसा मज़ा करवाती है। गेम उठती है भाई, गेम उठती है।
तला मुझे कह रहा था कि गेम उठती गेम बाकी उठती है। चाप शुरू बनाने का जो तरीका इनका है वो इस तरह से होता है कि वही जो इनका तवा है उस पर ये इनकी अपनी जो वो रोटी होती है पराठा जो होता है उसको रखते हैं, उसके ऊपर जो एक अलग से इनके पास एक बॉल होता है उसके अंदर इन्होंने जो भी आपने अगर यॉर्क मीट डलवाना हो तो वो अलग है, लेकिन मैंने डलवाया चिकन और वेजिटेबल्स। तो चिकन और वेजिटेबल्स का एक मिक्सचर बड़ा मज़ेदार सा बना के उन्होंने उसके अंदर रखा हुआ है, वो उसके ऊपर डालते हैं, फिर एक और रोटी डालते हैं और साइडों से बड़ी खूबसूरती से उसके ना फूल बनाते हैं ताकि वो बंद हो जाए, वो खुल ना सके। अब मैं तीसरी चीज़ ट्राई करूँगा। तीसरी चीज़ का नाम क्या है तला? हुईलो गर्मा। हुईलो गर्मा तुम दोनों ट्राई कर चुके हो अभी तक, तुम्हें सूप चाप शुरू हुईलो गर्मा कैसे लगे? भाई हम ही बातें करते हैं, ट्रेडिशनल फूड बहुत मजे का, सारे बहुत अच्छे, हर चीज बहुत मजे की। अभी मेरे पास है जी हुईलो गर्मा, हुईलो गर्मा, हुईलो हुईलो गर्मा जो है वो हुंजा स्पेनिश चीज पास्ता है और ये पास्ता मतलब वही जिस तरह मैंने बताया कि समझाने के लिए लिखा हुआ है। पास्ता इस तरह से बना है कि इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस तरह हम समझे कि पास्ता का वो डाले हुए हैं डिफरेंट, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। एक इतना बड़ा बॉल होता है वो उसके अंदर जो है वो पालक उबलती है और उसके अंदर थोड़े से ऑयल वगैरह डालते हैं, वो आग पे जब बन रही होती है तो बड़ी बड़ी अपनी दो रोटियां बना के उसके ऊपर रखते हैं उबलती हुई पालक के ऊपर, मतलब आग पे पड़ी होती है। उसके बाद उसको रोटियों को बीच में तोड़ना शुरू करते हैं तो वो एक पास्ता की शेप आती है। तो इसका बनने का तरीका इतना मज़ेदार है और देखने में ये लग रहा है जिस तरह बिल्कुल अपनी अपनी फील आ रही है कि वही पालक तो भाई पहली बहुत देखी हुई है, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ ये है कि पालक के अंदर इन्होंने रोटी को जो इनकी रोटी है उसको इन्होंने नूडल्स की तरह और नूडल्स की तरह नहीं उसको बस इस तरह से तोड़ा हुआ है उसके अंदर। अभी मैं खाऊंगा भाई होइलो गर्मा। ओह यार ओए होए एकदम इस तरह मतलब शदीद जूसी और फुल ऑर्गेनिक फील है, जिस तरह पालक एक फ्राइड पालक की फील है क्योंकि पहले उसमें ऑयल था, वो आग पे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर रोटियां डाल रही थी, वो कट रही थी और जूसी इतनी है कि मुंह में रखते हैं ना तो वो एक पूरा मुंह जूस से भरता है, तो वो ऐसे करना पड़ता है ऐसे। इसके अंदर जो एक डिफरेंट चीज़ आ रही है वो ये कि इसके अंदर एप्रिकॉट ऑयल यूज़ हुआ है और यहाँ पे हुंजा के अंदर वो इतना मतलब आम तो आम घरों के अंदर है लेकिन अगर आपने कहीं लेके जाना हो तो वो बहुत महंगी बॉटल्स मिलती हैं एप्रिकॉट ऑयल की, क्योंकि वो यहाँ पे इनका मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ ही होता है। इसके अंदर भी वो यूज़ हुआ है, चाप शुरू के अंदर भी वो यूज़ हुआ है, तो खुबानी का ऑयल जो उसके अंदर वो एक जूसी सी फील साथ में दे रहा है ना भाई। ओए होए होए अगली चीज़ है मेरे पास मलतश्तजी गियालिंग, ये है जी हुंजा पैनकेक्स, मलतश्तजी गियालिंग हुंजा के पैनकेक्स हैं और इनको बनाने का इनका जो तरीका है उसी तरह से इनके पास एक मिक्सचर पड़ा हुआ है पूरा, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं इनके मिक्सचर में, बड़ी सिंपल सी चीज़ें उसके वो मिक्सर जो होता है उसको वही उसी तरह तवे पे डालते हैं जिस तरह हम नॉर्मली पैनकेक्स बनाते हैं, वो डालने के बाद असल जो इसके अंदर गेम जब उठती है वो इस चीज़ की है कि इसके अंदर ये डालते हैं एप्रिकॉट ऑयल और उसके बाद बादाम का ऑयल, जब ये बन जाता है मतलब तवे के ऊपर जब ये तकरीबन रेडी होता है तो बादाम का ऑयल और खुबानी का जो ऑयल होता है उसे डाल के ये अच्छी तरह से उसको ऐसे करते हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरह से रोल करके छोटे छोटे उसके पीसीस कर देते हैं और इसकी भाई मतलब इतनी कोई मज़ेदार किस्म की इसकी शक्ल है और ये ऐसे देखने में बिल्कुल नरम नरम सा ऐसे जिस तरह ना लटक रहा है ये। ओए होए 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 यार ताला तुम सड़ो, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने कितने कितने खाए? दो दो। पक्की बात है? निकलो वरना मैं रैम कर लेता। आलमंड का बड़ा मजा आ रहा है। ओए होए 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 मैंने पैनकेक इस तरह तोड़ा है ना तो मुझे एकदम से बड़ा मज़ा आया, एक टेस्ट अभी नहीं आया था लेकिन मज़ा आया कि इतना इजीली ये टूटा है, लेकिन उसके बाद इसमें जो एकदम से वो आती है ना पूरे आपके वो सांस के साथ चली जाती है बादाम का जो ऑयल इसमें डला हुआ है आलमंड ऑयल, उसने ऐसा कोई मज़ा करवाया है कि वो फील हो रहा है कि ये क्या चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ है इसमें। साथ में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, बादाम का ऑयल और खुबानी का जो ऑयल डला हुआ है वो एक पूरा एरोमा आपको फील करवा रहा है कि हाँ हाँ हाय 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 हाय। तो जो अभी हमने वहाँ से नाश्ता किया, नाश्ता तो नहीं था वो इनका मेन दिन का खाना था लेकिन हमने उसे नाश्ते के टाइम पे खाया, इतना मज़ेदार था यार। और तला इधर आ, बिल बता कितना मैंने इधर 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 तला की खुशी नहीं पकड़ी जा रही, सिर्फ 800 रुपया जैसे लग रहा लाहौर में फिर सिर्फ हमने राज्य के खाई है उनकी चीजें और सिर्फ 800 रुपया बिल बने। एक रात पहले हमने यहाँ पे एक और कैफे, नाम नहीं लूंगा, वो हुंजा का ट्रेडिशनली वो खाना देते हैं लेकिन थोड़ा फैंसी मॉल में, उन्होंने हमसे तकरीबन कोई 4,000 रुपया हमारी मंजी ठोकी लेकिन यहाँ पे हमारा बिल बना 800, हमने अच्छी तरह से खाना वाना खाया। और वैसे अगर हम रोज नाश्ता करते हैं हुंजा में तो हमारा नाश्ता बनता है तकरीबन 2,200-2,300 रुपये का, तो भाई ये तो बहुत ही आला चीज़ है, टेस्ट का टेस्ट और उसके बाद ट्रेडिशन कल्चर हर चीज़ आपको देखने को मिलती है।
सांस चढ़ा उजड़ी पड़ी शबैक गैंग सांस चढ़ा हुआ है। ऐसे ऐसे सीधे रास्ते पे चल के जा रहे हैं। आज हमारा प्लान है करीमाबाद से नाश्ता वगैरह करने के बाद फिलहाल हम जा रहे हैं बलतीत फोर्ट। बलतीत फोर्ट पहले खाना तुन के खा लिया, अब सांस चढ़ेगा अच्छा खासा। बलतीत फोर्ट जाएंगे, बलतीत फोर्ट को हम थोड़ा इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे जो कि बलतीत फोर्ट जाते हुए। ओहो ओहो तला बस एक मिनट क्या एक मिनट दो मिनट में चढ़ते एक मिनट हम लोग बलतीत फोर्ट पहुंच चुके हैं और ये बलतीत फोर्ट जो है ये मेरे पीछे ऊपर इस तरह आपको नज़र आ रहा है। अभी इस वाले एरिया से हम लोग टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद जाएंगे बलतीत फोर्ट के अंदर। लेकिन भाई जो इस जगह से सामने का व्यू है ना, ओए होए होए A light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. Inside this narrow maze. नीचे से ऊपर देख के तरह निकल जाते हैं कि बंदा खड़ा किस जगह पे है। खैर मैं इस टाइम हूँ बलतीत फोर्ट के सबसे टॉप पे और इस तरफ ये सारा जो है वो पूरा नीचे मतलब बलतीत फोर्ट से आके आपको तकरीबन जो है वो एक प्रॉपर हुंजा करीमाबाद का भी व्यू आता है। उसके बाद इस तरफ ये इस तरफ राकापोशी है जो आपको सबसे वाइट वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, ये राकापोशी है। और बलतीत फोर्ट की जो हिस्ट्री है और जिस तरह से इसके अंदर ये इनका अभी तक वो कदीम तरीन जो चीज़ें जिस तरह से पड़ी हुई हैं, मतलब भाई बंदा सोचता है क्या है। अल्लाह अल्लाह सत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई। अल्लाह अल्लाह सत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई। बुलिया कौन अल्लाह दे पूरे जड़ दिल दी करन सफाई। बलतीत फोर्ट से वापस आते हुए यही जो कि आप गुजरते हैं करीमाबाद से ऊपर बलतीत फोर्ट पे जाने के लिए, तो वहाँ पे ये इस तरह की खूबसूरत इनकी जो वो कल्चरल ट्रेडिशनल इस तरह शॉप्स आती हैं जहाँ पे ये सारी मतलब खुबानी का ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और यहाँ से बहुत लोग उसको लेके भी जाते हैं। वो उसके बाद इनकी जो ये इसको क्या कहते हैं भाई ये जो ऊपर पड़ी है हुंजा कैप यहाँ पे होती है। तुहार भाई हुंजा कैफ हॉर्न भाई यार ड्राइवर को कंफ्यूज नहीं करते होते ना बोली तला। अभी हम लोग जा रहे हैं ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट और ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट वैसे लोग मोस्टली जो है वो जीप्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक निहत्ता नौजवान काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है जिसकी वजह से हम लोग गाड़ी में अपनी में जा रहे हैं। ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पर वैसे जाना गाड़ी पर मुश्किल है, चढ़ाइयाँ इंतहाई खौफनाक सी आ रही हैं। भाई हम ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पहुंच के मुझे जो एक छोटा सा धचका लगा है, मैं जिस चीज़ के लिए ख़ास तौर पे ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पे आया था वो ये है कि यहाँ पे मेरा था कि भाई
ऐसे कि इनमें से किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े होके, क्योंकि ईगलनेस व्यू पॉइंट जो है ये टॉप है, यहाँ पे हम आते हैं सनसेट देखने के लिए, क्योंकि जो करीमाबाद बाज़ार वगैरह है वो नीचे है, तो वहाँ से जब जो ये सूरज गरूब हो रहा होता है तो वो सही तरह नज़र नहीं आता। तो ईगलनेस व्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक आप आ भी सकते हैं और इसको जो है वो सनसेट को देख सकते हैं। तो मेरा था भाई ड्रोन शॉट, अच्छे अच्छे से लूँगा, खूबसूरत तरीन से ऐसे ड्रोन घूम रहा होगा। सुबह से ख्वाब देख रहा था, यहाँ के ड्रोन सेटअप लगाया, साथ ही वो बंदा आ गया कि भाई ड्रोन ड्रोन अलाउ नहीं है, तो आप इसको मेहरबानी फरमा के बंद कर दें। ड्रोन बंद कर दिया, अब मेरे लिए ईगलनेस व्यू पॉइंट का मुझे अब मज़ा आ रहा है, लेकिन इधर मैं वो वाली चीज़ दिखाना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम एक खूबसूरत सा सनसेट देख रहे हैं। एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती, तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती, जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बे आवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। तलवार राज